सिंध के एक रूहानी पेशवा और आमिरों के पसंदीदा सियासी पीर को अकीदतमंदों के नज़दीक बड़ी निगाह से देखा जाता है। उनके अकीदतमंदों के नज़दीक तो पीर साहब का किसी हसीना पर मेहरबान हो जाना बाइस इफ्तखार है, लेकिन ये पीर सियासी हलकों में सेक्सारोजिस्ट की हैसियत से खसूसी शोहरत रखते हैं। दोस्तों, स्पॉटलाइट चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पीर पगाड़ा की जिंसी और दरिंदगी वाली जिंदगी के बारे में बताएंगे। आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि हमारी सियासत किन वडेरों और लुटेरों के हाथों में है। आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस में भी आपको ऐसे ही इंकशाफात से आगाह किया जाएगा। आप हैरान होंगे कि इस मुल्क में कितना जुल्म किया गया है। आइंदा आने वाली हमारी एक वीडियो होगी कि 1947 में उतनी इस्मत दरी नहीं की गई जितनी पीपल्स पार्टी के दौर में इस्मत दरी की गई। ये बात हैरान कुन है। आप परेशान भी होंगे। आप में से जो पीपल्स पार्टी के जयाले होंगे वो बुरा भी कहेंगे, जो सियासी जमातों के जयाले होंगे वो बुरा भी समझेंगे, लेकिन ये तमाम तर बातें हकीकत के करीब तरीन बातें हैं और बाकायदा इन पर मुख्तलिफ अखबारात में लिखा भी जा चुका है। पीर पगाड़ा के बारे में बात हो रही थी। उन्होंने कई बार सिर्फ हसीनाओं की खातिर अपनी जमात के टोटे किए हैं। लाहौर की एक मशहूर सियासी खातून महमूदा पर पीर साहब बहुत मेहरबान थे, जबकि ये महमूदा उम्र रसीदा मगर सेहतमंद हसीना होने की बिना पर एक ऐसे मुल्क की आशिक थी, एक ऐसे मलिक की आशिक थी जो इस पाकिस्तानी सियासत के एक अहम ओहदा पर फायज हैं। ये मलिक सियासत के लिए अयूब खानी तोहफा हैं। उन्हें अयूब खान की काबीना में खसूसी अहमियत हासिल थी। अपनी अहमियत से फ़ायदा उठाते हुए ये महमूदा के करीब, बल्कि करीब तर और फिर करीब तरीन हो गए। पीर साहब की ख्वाहिश थी कि महमूदा उनके हरम में भी दाखिल हो, लेकिन मलिक की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं था। मलिक साहब की हालत ये हुआ करती थी कि वह मुल्क भर की तमाम मसरूफियात ख़त्म करके रात गुजारने के लिए गुलबर्ग नहर के किनारे वाके महमूदा की कोठी में अयाशी के लिए आ जाते। ये महमूदा, पीर और मलिक के दरमियान एक ऐसा तनाज़ा बन गई कि उनकी जमात में मलिक ग्रुप बन गया। ये अलग बात है कि इस ग्रुप में सिर्फ महमूदा और मलिक ही शामिल थे। मलिक साहब की अब जवानी ढल चुकी, महमूदा के बाल भी सफ़ेद हो गए, मगर वो बालों को रंग करके जवान होने पर इसरार करती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि दोनों की आतिश इश्क या आतिश जिंसियत अभी ठंडी नहीं हुई। वक्त मिलने पर दोनों इस्लामाबाद के एक साबिक वज़ीर आज़म के गेस्ट हाउस में पाए जाते हैं। मलिक साहब ने जिस महमूदा की खातिर पीर साहब को नाराज़ किया था, आज उसी महमूदा की खातिर कई सियासतदानों को नाराज़ करने पर उधार खाए बैठे हैं। पीर साहब का इसरार है कि मलिक आज भी महमूदा से दस्त बरदार हो जाएं तो उनकी जमात एक होने के ज़िमन में पेशरफ्त हो सकती है। पीर साहब ये भी कहते हैं कि एक बार महमूदा को हमारे यहाँ खाने की दावत पर भेज कर तो देखें, फिर उन्हें गोश्त और दाल के भाव मालूम हो जाएंगे। मलिक साहब इस रस्म को तोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि पीर साहब के पास एक बार जाने वाली औरत किसी नौजवान मर्द के काबू में नहीं आती। अगर महमूदा ने ढलती जबानी में पीर साहब का हरम देख लिया तो फिर वो किसी मलिक के पास जाने की ज़रूरतमंद नहीं रहेगी, बल्कि पीर साहब के ही गीत गाती फिरेगी। पीर साहब माजी में भी कई अधेड़ उम्र सियासतदानों औरतों को ढेर कर चुके हैं। उनमें एक ऐसी बीबी भी हैं जो पीर साहब के हाथ से गुजर कर समारी सरकारी जमात में ओहदा तक हासिल कर चुके हैं। लेकिन जिस वक्त ये साहब लाहौर में आते हैं तो तमाम सियासी वाबस्तगियों को बालाए ताक रख कर उनके यहाँ हाजिरी को अपनी बेकरारी का सबूत करार देते हैं। इन पीर साहब का दावा है कि वो जिस सियासी लौंडे पर हाथ रखते हैं वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है, और जिस खातून पर मेहरबान हो जाते हैं वो MPA, MNA, सेनेट की रुकन, सूबाई या वफाकी वज़ीर और न जाने क्या कुछ बन जाती है। बात हो रही थी मलिक और महमूदा की। इन दोनों की मुलाकात इस्लामाबाद के गेस्ट हाउस में होती है। दोनों मिलकर आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म के साथ शराब पीते हैं। जूं जूं रात ढलती है महमूदा की बूढ़ी जवानी बेलगाम होती जाती है और सियासी बूढ़ों पर एक बार फिर जवानी गालिब आ जाती है। ऐसी ही हालत में गेस्ट हाउस में लाहौर के एक आला पुलिस ऑफिसर को हुक्म दिया जाता है कि लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म के बहनोई को गिरफ्तार कर लिया जाए कि उसने महमूदा पर कयामत चढ़ा दी है। हुक्म देने वाला कह रहा था, जनाब फ्रॉड, और वो भी मेरी महमूदा के साथ। आला अफसर ने यकीन दिलाया कि महमूदा को शिकारत करने वाला बट आज ही थानों में जलील होगा। चुनाचे रात गए पुलिस ने मॉडल टाउन की एक कोठी में छापा मारा, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म का रिश्तेदार उस वक्त बाजार हुस्न में अपनी दो नंबर बीवी या दाश्ता के साथ रंगरलियों में मसरूफ था। वायरलेस चली और एक बड़ा सियासी किरदार
पुलिस की हिरासत में आ गया। इस गिरफ्तारी को इस सियासी किरदार की दाश्ता भी देख रही थी, जो सालहा साल से बल्कि बल्कू की दाश्ता बनने पर मजबूर या खुश है। मजबूर तो नहीं, उसे खुश ही कहा जाएगा कि उसके बदन से तो जब बल्कू की एक बेटी भी पैदा हो चुकी है। अब अगर आप इस बबली को छोड़ेगा तो उसे ये दुख हमेशा रहेगा कि बबली किसी वक्त भी उसकी बेटी को बाजार की जीनत बना सकती है। अब पता नहीं बल्कू और बबली के इस खेल का अंजाम क्या होता है। याद रहे कि ये नाम फर्जी नाम है। जो लोग जानते हैं इन तमाम किरदारों को वो समझ जाएंगे। लेकिन महमूदा और मलिक के खेल ने बल्कू को जेल में बंद कर रखा है और यकीनन उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक उनका इख्तदार बाकी है। ये भी मुमकिन है कि बल्कू अपनी शिकस्त तस्लीम करके महमूदा को राजी कर ले, लेकिन सुना है कि बल्कू अपनी धुन का पक्का है। वो कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर सकता है, किसी बूढ़ी घोड़ी के हाथों ब्लैक मेल होने वाला नहीं है। ये पीर साहब इन दिनों लाहौर से इसलिए आउट हैं कि ख्वातीन की नशिस्तों पर इंतखाबात नहीं हो रहे। जो ही कोई हुकूमत ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार होगी तो पीर साहब लाहौर में डेरे डाल लेंगे, और फिर जो सियासी वडेरियाँ उन्हें खुश करने में कामयाब होंगी, उनका ताल्लुक खा किसी भी जमात से हो, वो असम्बली में पहुँच जाएंगी। पीर साहब अपने निजी महफलों में अक्सर ये बताते हैं कि फ़लाँ औरत जो इस वक्त फ़लाँ अहदे पर बैठी है, वो एक वक्त हमारे पास आई थी, उसने हमारे साथ गपशप की, खाना खाया, रात की मेहमान बनी, सुबह उठी तो सियासी कारगुन या अदब की ठेकेदार होने के बजाय MPA या MNA थी। पीर साहब की कश्व करामात का सिलसिला सिर्फ उन तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि ये रूहानी कैफियत उनकी अगली नस्लों में बदरजाए उत्तम शामिल रही, जबकि पीर साहब ने अपने ख़ानदान को भी नहीं बख्शा। उनके बेटे गौहर अली राशदी ने उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि पीर साहब की अपनी बहू से नाजायज़ तल्लुकात हैं। ये बात बढ़कर अदालत तक भी गई। उस दौरान एक रोजनामे को इंटर देते हुए गौहर राशदी ने बताया कि जो औरत सुबह 5 बजे घर आए और 3 बजे दोपहर नाश्ता करे, वो भला बच्चों का क्या ख्याल कर सकती है। मेरे मूसा और ईसा 2 साल स्कूल में फेल हुए, वो पढ़ाई में बहुत पीछे रह गए हैं क्योंकि उन्हें माँ की मुनासिब तवज्जो नहीं मिल रही, जबकि बच्चों की माँ को फैशन शोज से फुर्सत नहीं मिलती। सरे शाम ही घर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीगियों का जश्न शुरू हो जाता है। घर में बौतीक के नाम से 2 नंबर कारोबार खोल रखा है और मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूँ, और मेरे पास तमाम सबूत और वीडियोस मौजूद हैं। पीर अली गौहर राशदी ने कहा, मेरी किस्मत में उस दिन ही जहर घोल दिया गया था जब मेरी शादी आंसा कमर से तय पाई थी। नवाबजादा नसरुल्ला की बहन अपनी बेटी से मेरी शादी करना चाहता था, मगर वो 200 किलो से ज़्यादा भारी थी, लिहाजा मैंने इनकार कर दिया, लिहाजा उन्होंने मेरा रिश्ता अपनी हमसाई आंसा कमर से तय कर दिया। मेरे वालदैन इस रिश्ते से बहुत खुश थे, जबकि मैं खुश नहीं था और मैंने बीवी को देखा तक नहीं था। शादी की पहली रात आंसा को मिर्गी का दौरा पड़ गया, घबराहट में कुछ सुझाई नहीं दिया, आखिर जूता सुंघाया तो उसे होश आया। सारी रात जाग कर गुजारी कि या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ। अगले रोज वालिद साहब को शिकायत की, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी, और फिर तवातुर के साथ ऐसा होता रहा। मैं माँ से अक्सर कहता, माँ आपने मेरे साथ ज्यादती की है, मिर्गी की मरीजा से मेरी शादी कर दी है, मगर माँ सबसे ज्यादा उसे चाहती थी। माँ कहती, बेटा ऐसी बीवी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। मैं कहता, माँ अगर उसे बावर्ची खाने में खाना बनाते हुए या बाथरूम में मिर्गी का दौरा पड़ गया तो क्या होगा। तो माँ कहती कि इसके लिए बहुत सारे नौकर हैं, तुम फिक्र मत करो। माँ ने उसकी हमेशा हिमायत की, उस पर भरोसा किया, मगर उसने माँ की मांग का सिंदूर छीन लिया, बुढ़ापे में उसको ऐसा दुख दिया जिसका मदावा मुमकिन नहीं है। अली गौहर राशदी ने बताया, मैं अपनी शराफत में लुट गया हूँ, मुझे मेरी बीवी ने हमेशा बेवकूफ़ बनाया। मेरे पास कंगरी हाउस कराची में बहुत कम अरसा रही, इलाज के बहाने लाहौर में टिकी रहती, और अगर कभी 6 माह बाद कराची आती तो उन्हें दौरे पड़ना शुरू हो जाते। मेरे पास उसकी मर्गी की सब रिपोर्टें मौजूद हैं जिसका मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। एक मरतबा मैं और आंसा कमर जहाज़ में कराची जा रहे थे तो फर्स्ट क्लास में बैठे हुए वहाँ मोहतरमा को दौरा पड़ गया। मुझे मुसीबत पड़ गई कि क्या करें। वहाँ दूसरे मुसाफिर भी इकट्ठे हो गए, सब अमला भी घबरा गया तो फौरन फर्स्ट एड दी, मगर मुझे मालूम था कि सिर्फ जूता सुंघाने से ही ये मसला हल होगा। बहुत शर्मिंदगी के साथ मैंने गंदा जूता बैग में से निकाल कर उसको सुंघाया तो वो होश में आई। मुझे कहाँ कहाँ शर्मिंदगियाँ उठाना पड़ी हैं मैं बता नहीं सकता। सारा जहान इसकी इन हरकतों से वाकिफ़ है। मिर्गी के दौरे में वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती कि कई मरतबा नाक, कान और ज़ुबान पर चोटें आई हैं। आप इसकी ज़ुबान देख लें, जगह जगह से कट चुकी है। नाक पर चोटें आईं और बदनाम मैं हो गया, केली गौहर ने पीटा है, जबकि वो मिर्गी के दौरे से अजीब अजीब हरकतें, तड़प तड़प कर हाथ पांव मारती, खड़े होने की कोशिशों में कई मर्तबा चोट आई। शुरू शुरू में तो मैं बिल्कुल खामोश हो गया और अपने आप में घुट घुट कर मरने लगा, क्योंकि मैं बाप की कमाई से खाता था, अपना कुछ नहीं था।
پھر کچھ عرصہ بعد میں نے گھر والوں سے بات کی کہ میں اور شادی کروں گا، کیونکہ مجھے ہوش مند بیوی چاہیے تھی، لہذا والدین نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ جب قمر زمان کھگا صاحب کو معلوم پڑا تو انہوں نے کہا آپ دوسری شادی کر لیں مگر اس کو طلاق مت دیں۔ لہٰذا میں نے نہ صرف اس کو علیحدہ ڈیفینس میں گھر لے کر دیا بلکہ اس کے نام ٹرانسفر کر دیا اور بچوں کے نام جائیداد بھی لکھ دی۔ اتنی جائیداد کہ خود کو ان کا خاندان سوچ نہیں سکتا۔ میں بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ 30,000 خرچہ دیتا رہا تاکہ ان کی پڑھائی جاری رہے، مگر مجھ سے علیحدہ رہنے پر بچوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ بچے مارے مارے پھر رہے ہیں، ان کی تعلیم کا حرج ہوا، وہ 2 سال فیل ہو گئے۔ بچوں نے بتایا کہ ان کا اس ماحول میں دم گھٹتا ہے۔ ماں صبح 5 بجے گھر آتی ہے اور 2 بجے تک سوتی ہے، پھر شام کو گھر پر سیاسی لوگوں کا میلہ لگ جاتا ہے۔ مسلم لیگی اور پیپلز پارٹی والے عوام کے سامنے تو دوستو گریبان ہیں، مگر ڈیفینس میں جا کر ایک ہو جاتے ہیں، سارے اختلافات بھول کر اکٹھا شیئر کرتے ہیں۔ ان سیاسی لوگوں کی خدمت کے لیے فیشن شوز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ڈیفینس میں گھر میں کسی قسم کا کاروبار کرنا ممنوع ہے، مگر محترمہ نے گھر پر بوتیک کھول رکھا ہے تاکہ لوگوں کا آنا جانا رہے۔ اکثر اسلام آباد کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ فیشن شوز کے اخراجات اور اسلام آباد کے اخراجات اور 2-2 لاکھ روپے کے کڑے کہاں سے آئے ہیں؟ مجھے معلوم ہے، میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ میرے بڑے بھائی میری والدہ کو اکثر کہتے کہ لاہور میں بہت گڑبڑ ہے اور محترمہ 2 نمبر کام کر رہی ہیں، اور والد صاحب کو سب معلوم ہے، مگر والدہ یقین نہیں کرتی تھی۔ میں خود بھی بھائی کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ میں جب گھر آتا تو دیکھتا گھر پر میلاد ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، میں حیران رہ جاتا، مگر جب والدہ نے والد کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو سب سراغ مل گیا کہ یہ کارنامے تو بہو رانی کے ہیں۔ وہ ماڈلنگ اور فیشن شو کے بہانے لڑکیوں کو گھر پر بلاتیں، محفلیں سجاتیں اور والد صاحب کو خوش کرتیں۔ والدہ صاحب کے احتجاج پر ان کا پتہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا اور میرے بچوں کو مجھ سے چھیننے اور میری جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا، مگر میں عدالت میں سب ثبوت پیش کروں گا اور سب کو ننگا کروں گا۔ مگر دوسروں کو ننگا کرنے کا عزم رکھنے والے گوہر راشدی کو اپنے لب سینا پڑے اور اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ گوہر راشدی اب پراسرار طور پر منظر سے غائب ہو چکے ہیں، مگر پیر صاحب کی کرامات بدستور جاری ہیں اور انہوں نے خدمت خلق کے جذبے کے تحت 14 سالہ لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ پیر صاحب کے پوتے نے دادا کے نقش قدم پر چلنے کی خوب کوشش کی تو وہ نا تجربہ کار ہونے کی وجہ سے مار کھا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بتائیے، لازمی طور پر کمنٹس میں آگاہ کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پیر پگاڑا کی اور بھی بہت سی کارستانیاں ہیں، اگر آپ ان کارستانیوں کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، اگر آپ پیپلز پارٹی کی کارستانیوں کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، اگر آپ ریما، میرا اور ایسی کئی خواتین فنکار کے سیاسی اداکاریوں اور سیاسی خدمات کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیوز میں بتائیے، کمنٹ باکس میں بتائیے۔ آنے والی تمام ویڈیوز میں آپ کو ان تمام سیاسی خدمات کے بارے میں بتایا جائے گا اور پاکستانی سیاست کے اس مکروہ چہرے سے آپ کو روشناس کرایا جائے گا۔